दीजिएगा डॉक्टर अमित महेश्वरी। विश्वास करो वो सुनेगा। किसको ईश्वर पर विश्वास है? ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी हम, जिसको भी हम मानते हैं अपने मन में, उन सभी पर हमें पूरा विश्वास है। लेकिन ये विश्वास कई बार ना मजबूत नहीं होता, मतलब ऑप्शनल होता है कि अगर अच्छा हो गया तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, और अगर खराब हो गया तो फिर भगवान को नहीं कहते, कहते मेरी किस्मत ही खराब थी। मतलब भगवान ने जब किया है अच्छा तो बुरा भी कौन करेगा? भगवान करेगा। लेकिन वहां हम किसको बुला लेते हैं? उनके दूसरे एजेंट को। किसको? किस्मत को। तो भगवान कहता है मैं केवल उनका साथ देता हूं जो सुख और दुख दोनों में मुझे याद करे। अच्छा हुआ तो मुझे याद करे ही करे, अरे बुरा हुआ तो भी मुझे ही याद करे। तो ये क्या हुआ, खुद में विश्वास रखना एक बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ ईश्वर में विश्वास रखना उससे भी बड़ी बात है। एक बार एक व्यक्ति नास्तिक व्यक्ति था, और वो नास्तिक व्यक्ति को एक बार एक मौका मिला कि गुरु के आश्रम में जाके नई शिक्षा ग्रहण करने का उसको मौका मिला। और उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं ऐसी योग्यता और शिक्षा हासिल करूंगा जिससे मैं जीवन के हर सफर पे, हर स्तर पे कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर सकता हूं। और उस व्यक्ति ने गुरुजी के आश्रम में एडमिशन ले लिया, वहां पर अपना दाखिला करवा दिया। जब दाखिला करवाया तो गुरुजी के आश्रम का एक नियम था कि शिक्षा प्रारंभ करने से पहले, प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले, वो गुरुजी हर विद्यार्थी को ईश्वर की आराधना करने का समय देते थे। तो गुरुजी ने कहा हमें कम से कम 40 मिनट ईश्वर की आराधना करनी है। और जब आराधना हुई, एक दिन हुआ, उसने एडजस्ट कर लिया, चलो फर्स्ट डे है, सेकंड डे एडजस्ट किया, थर्ड डे किया, 5-7 दिन के बाद बोला गुरुजी मैं यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आता हूं, ईश्वर की आस्था करने नहीं आता, मैं यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आता हूं, मैं यहां पर प्रशिक्षण लेने आता हूं। और वो व्यक्ति धीरे धीरे गुरुजी से कहने लगा कि मेरा 40 मिनट का समय बर्बाद ना कराएं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस दिन कोई घटना ऐसी घटेगी तो ऑटोमेटिकली आपको ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने कई वर्षों का अनुभव किया, पूरी शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने राज्य में चला गया, वहां बिजनेस करने लगा। और जब बिजनेस करने लगा तो बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा, बहुत अधिक प्रॉफिट कमाने लगा, लेकिन उस समय भी उसको ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा, उस व्यक्ति को विश्वास नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद भी एक दिन रात को वो व्यक्ति अचानक उठ गया, और उठ गया तो उसका ऐसा ख्याल आया कि गुरुजी आज बड़े तकलीफ में हैं, वो लगता है गुरुजी को कोई प्रॉब्लम है। मैंने सुना है कि गुरुजी की सुनने की क्षमता कम होती जा रही है, गुरुजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, उसको ऐसा महसूस होने लगा। लेकिन वो रिलैक्स करके सो गया। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ, थर्ड डे भी ऐसा ही हुआ, और तीसरे दिन वो इतना बेचैन हो गया कि उसको लगा क्यों ना एक बार गुरुजी से मिला जाए। और जब उसने डिसाइड किया कि एक बार गुरुजी से मिला जाए, तो उसके मन में एक विचार आया कि जाते समय गुरुजी के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। यस और नो? और उसने सोचा कि गुरुजी के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं, तो उसके मन में विचार आया अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, अब हो सकता है उनको सुनाई कम देता हो सकता है उन्हें दिखाई कम देता हो सकता है उनको चलने में परेशानी हो, तो उनके लिए एक स्टिक ले ली, और साथ ही साथ एक हियरिंग एड ले ली, कान में सुनने की मशीन, और पीने के लिए एक बॉटल ले ली पानी, और वो सारी चीजें लेके वो गुरुजी के आश्रम में जा ही रहा था। जैसे ही आश्रम के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी और नए विद्यार्थी, वहां पर शिक्षा, ईश्वर की आराधना कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। तो उन बच्चों ने कहा गुरुजी तो अब यहां आते ही नहीं है, वो तो आश्रम में लेटे रहते हैं। तो पूछा क्यों? कहते गुरुजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। गुरुजी के पास गए तो एक विद्यार्थी बताता रहा साथ साथ चलते चलते कि अब तो गुरुजी की हालत ठीक नहीं है, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, गुरुजी की हालत ठीक नहीं है, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, गुरुजी की हालत ठीक नहीं है, वो तो पानी भी ठीक से मटके से लेके नहीं आ पाते, गुरुजी की हालत ठीक नहीं है, गुरुजी को ठीक से सुनाई नहीं देता। और जैसे ही वो गुरुजी के केबिन में एंटर करता है तो गुरुजी वहां पर बैठे होते हैं और अपना साथ में पेपर रखे होते हैं, और पेपर्स में देखता है तो एक डॉक्टर का पर्चा होता है। जैसे ही वो व्यक्ति डॉक्टर का पर्चा निकालता है तो वहां लिखा होता है कि चलने के लिए स्टिक का सहारा लें, और बार बार मटके पर पानी पीने के लिए जाना आना है तो जाने आने की तकलीफ ना उठाएं, एक बॉटल रखें, और अगर बॉटल के साथ साथ आपको सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चे आपके आवाज लगाते रहते, तो एक हियरिंग एड लगा लें। और जब गुरुजी ने ये बात कही कि भाई पता नहीं, लेकिन मैं अपने आश्रम का पैसा, विद्यार्थियों का पैसा,
अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे विद्यार्थी ना मानते नहीं है मेरी बात। चार दिन से लगातार प्रार्थना की जगह ईश्वर से आराधना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कोई ना कोई ऐसा यंत्र बनाओ, कोई ना कोई ऐसी शक्ति हमें दो कि कोई ना कोई व्यक्ति आके दान में ये चीजें दे जाए। और जैसे उस व्यक्ति ने इस बात को सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसको समझ में आया कि ईश्वर की शक्ति में बहुत अधिक ताकत है, ईश्वर की आस्था में बहुत अधिक ताकत है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने डॉक्टर का पर्चा उठाया, ठीक वही कंपनीज के नाम लिखे हुए थे कि हेयरिंग एड किस ब्रांड का लेना है, बॉटल किस तरह की लेनी है, कौन सी कंपनी की स्ट्रिक लेनी है, और वो देखता है कि उसकी गाड़ी में वही सारा गिफ्ट रखा हुआ है। ईश्वर पर विश्वास रखें। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो लोग अल्लाह पर, वाहेगुरु पर, गॉड पर विश्वास रखते हैं, उनकी हर वो आराधना पूरी होती है जो वो पाना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपकी विश्वास की शक्ति इतनी दृढ़ मजबूत है कि आप जो चीज पाना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल 100% पूर्ण विश्वास के साथ लगे हुए हैं या नहीं। हम में से हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, यस और नो? यस और नो?